नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 21 तरीकों के बारे में जिनसे आप अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। जिंदगी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? पैसा? शोहरत? नहीं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण है इज्जत। इज्जत कमाई जाती है, बनाई जाती है अपने अंदर से और अपने कर्मों से। आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों पर बात करेंगे जो ना सिर्फ आपको एक बेहतर इंसान बनाएंगे बल्कि समाज में आपकी इज्जत को भी चार चांद लगा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इज्जत का पहला कदम है खुद का सम्मान करना। अगर आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दुनिया कैसे आपको सम्मान देगी? अपनी काबिलियत को पहचानें, अपनी खूबियों को निखारें। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे, अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे और उन पर काम करेंगे, तब दुनिया अपने आप आपकी इज्जत करेगी। याद रखिए, आप अनमोल हैं। ईमानदारी से जीना ही असली जिंदगी है। हर काम में सच्चाई रखिए, चाहे कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो। जब आप ईमानदार होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, और भरोसा दोस्तों इज्जत की नींव होती है। झूठ के पैर नहीं होते, लेकिन सच्चाई की नींव मजबूत होती है। ईमानदारी से कमाई गई इज्जत हमेशा बनी रहती है। समय बहुत कीमती होता है, अपना और दूसरों का भी। समय पर काम करना, अपनी बातों का पक्का होना, ये सब आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। समय की पाबंदी दिखाती है कि आप जिम्मेदार हैं, और जिम्मेदारी से इज्जत बढ़ती है। जिंदगी सिर्फ अपने लिए नहीं होती। जब आप दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ती है। एक छोटी सी मदद, एक मीठा बोल किसी के लिए बहुत मायने रखता है। दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढिए, इज्जत अपने आप आपके पीछे पीछे आएगी। अहंकार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जितना बड़ा आदमी, उतना ही सरल और विनम्र होना चाहिए। विनम्रता से बात करना, दूसरों की इज्जत करना, ये सब आपको महान बनाते हैं। जब आप विनम्र होते हैं तो लोग आपके साथ सहज महसूस करते हैं और आपको सम्मान देते हैं। याद रखिए, विनम्रता इज्जत का श्रृंगार होती है। दोस्तों, वादा सिर्फ शब्द नहीं होते, एक जिम्मेदारी होती है। अपने वादों को निभाना, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, आपकी इज्जत को और भी बढ़ाता है। जब आप अपने वादों पर खरे उतरते हैं तो लोग आप पर विश्वास करते हैं और आपका सम्मान करते हैं। इसलिए सोच समझ कर वादा करें और उसे पूरी ईमानदारी से निभाएं। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जरूरी है कि हमेशा सकारात्मक रहें। सकारात्मक सोच से आप न सिर्फ खुद खुश रहेंगे बल्कि दूसरों को भी खुशी देंगे, और यही खुशी, यही सकारात्मकता आपकी इज्जत को बढ़ाएगी। हर मुश्किल में एक मौका छुपा होता है, उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जिंदगी कभी सिखाना बंद नहीं करती। नए नए चीजें सीखते रहो, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। ज्ञान ही असली धन है जो आपके साथ हमेशा रहता है, और ज्ञान से आपकी इज्जत अपने आप बढ़ती है। पढ़ो, सीखो, समझो और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटो। क्रोध, लोभ, मोह, ये सब हमारे दुश्मन हैं। इन पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। जब आप अपने आप को नियंत्रित रखते हैं तो आप समझदारी से फैसले लेते हैं और गलतियां करने से बचते हैं, और यही समझदारी, यही आत्मनियंत्रण आपकी इज्जत को बढ़ाता है। अच्छे वक्ता से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा श्रोता होना। जब आप ध्यान से किसी की बात सुनते हैं तो आप उसे सम्मान देते हैं, और यही सम्मान वापस आपको मिलता है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनो, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करो। यही एक अच्छे इंसान की निशानी है, और अच्छे इंसान की इज्जत हमेशा होती है। खुद के पैरों पर खड़ा होना, किसी और पर निर्भर ना रहना, यही असली आजादी है। जब आप आत्मनिर्भर होते हैं तो आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं, और यही आजादी, यही आत्मनिर्भरता आपको इज्जत दिलाती है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद मेहनत करो, खुद संघर्ष करो। जिंदगी में मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन घबराना नहीं है। धैर्य रखो, हिम्मत रखो। हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। जब आप धैर्य से काम लेते हैं तो आप मुश्किलों का डटकर सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं, और यही धैर्य, यही दृढ़ता आपकी इज्जत को और भी मजबूत बनाती है। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि ये ही आपका सबसे बड़ा धन है। स्वस्थ रहो, फिट रहो।
नियमित व्यायाम करो, अच्छा खाना खाओ और अच्छी नींद लो। जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आप ऊर्जावान रहते हैं और अच्छी तरह से काम कर पाते हैं, और यही ऊर्जा, यही तंदुरुस्ती आपको इज्जत दिलाती है। बिना मंजिल के जहाज कहीं नहीं पहुंचता, उसी तरह बिना लक्ष्य के जीवन का कोई मतलब नहीं होता। अपने लक्ष्य निर्धारित करो और उन्हें पाने के लिए जी जान से जुट जाओ। जब आप लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं तो आप कड़ी मेहनत करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, और यही सफलता, यही समर्पण आपको इज्जत दिलाता है। दूसरों की सराहना करना सीखो। जब आप किसी के अच्छे काम की तारीफ करते हैं तो आप उसे प्रोत्साहित करते हैं, और यही प्रोत्साहन वापस आपको इज्जत के रूप में मिलता है। छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करो, दूसरों की सफलता में खुश होना सीखो। यही सच्ची इंसानियत है और यही आपको इज्जत दिलाएगी। अपने आप का आंकलन करते रहो, अपनी गलतियों से सीखो और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। जब आप खुद को सुधारते हैं तो आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, और यही बेहतरी, यही आत्मचिंतन आपको इज्जत दिलाता है। खुद से सवाल पूछो, अपनी कमजोरियों को पहचानो और उन्हें दूर करने की कोशिश करो। जिम्मेदारी से मत डरो बल्कि उसे स्वीकार करो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो और उन्हें ईमानदारी से निभाओ। जब आप जिम्मेदार होते हैं तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, और यही भरोसा, यही जिम्मेदारी आपको इज्जत दिलाती है। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझो। दूसरों को प्रेरित करो, उनके अंदर की प्रतिभा को निखारने में उनकी मदद करो। जब आप दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करते हैं तो आपकी इज्जत अपने आप बढ़ती है। अपने ज्ञान, अपने अनुभव से दूसरों को सींचो, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दो। यही एक सच्चे इंसान की निशानी है और यही आपको इज्जत दिलाएगी। हमेशा सच बोलो, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो। अपनी बातों को स्पष्ट और सरल तरीके से रखो। जब आप साफ दिल से बात करते हैं तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। झूठ और बनावट से दूर रहो, सच्चाई का दामन थामे रहो। यही आपको इज्जत की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। समय बहुत कीमती है, इसे व्यर्थ मत गवाओ। अपने समय का सही इस्तेमाल करो, कुछ नया सीखो, कुछ रचनात्मक करो। जब आप समय का सदुपयोग करते हैं तो आप तरक्की करते हैं, और यही तरक्की, यही सफलता आपको इज्जत दिलाती है। समय को व्यर्थ गवाने से बेहतर है उसे अपने और दूसरों के भविष्य को बेहतर बनाने में लगाया जाए। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सीखना कभी बंद मत करो। नए नए अनुभव हासिल करो, नए नए लोगों से मिलो और खुद को अपडेट रखो। जब आप सीखते रहते हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहते हैं, और यही प्रगति, यही जिज्ञासा आपको इज्जत दिलाती है। याद रखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखते रहो, बढ़ते रहो। तो दोस्तों, ये थे 21 तरीके जिनसे आप अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। याद रखिए, इज्जत कोई चीज नहीं है जो आप रातों रात कमा लेंगे। ये तो एक सफर है, एक तपस्या है जिसे आपको हर रोज जीना होगा। अपने अंदर बदलाव लाओ, अपने कर्मों को नेक बनाओ और देखो दुनिया कैसे आपके कदमों में होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।